असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब कह से होंगे हाँ जी तो आ, उस दिन मैंने आप लोगों से पिज़्ज़ा शेयर किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा आपने डो की रेसिपी नहीं दी तो मुझे था कि चले मैं आज आप लोगों को डो की रेसिपी दे, दे देती हूँ साइड पे मैंने डो की रेसिपी लिखी हुई है आप इसका स्क्रीन ले लें एंड ये बहुत फुल प्रूफ जो है वो पिज़्ज़ा की रेसिपी है आप लोगों को आप लोगों का पिज़्ज़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा और थैंक यू सो मच कल मैंने आप लोगों के साथ अपनी अम्मी के कपड़े वगैरह शेयर किए थे तो आप लोगों ने बहुत लाइक किए वो कपड़े अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी अपनी मदर्स को ईद पर गिफ्ट देने की अच्छा जी तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं आ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सारा एंड शी टेक्स्ट टेक्सटमी की चीज़ वेरी नेगेटिव एंड उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी फ़ील होती है उनको अभी इस तरह फील होता है कि कोई उनके साथ अच्छे से बात भी करे तो वो नेगेटिव ही है तो वो आई डोंट नो शी हैज़ बिकम सो नेगेटिव तो ये मोस्टली खातिन के साथ होता है जब आपके साथ बहुत मीन सराउंडिंग्स में कोई ऐसी बातें ऐसी चीज़ें ऐसी हरक़त या लोग आपके साथ नेगेटिव होते हैं ना तो फिर आपको हर चीज़ में शक फील होता है हर चीज़ में डाउट होता है कि ये बंदा मेरे साथ जो है ना अगर अच्छा है तो तो ये जो है ना इसका कोई जो है ना नेगेटिविटी होगी इसमें तो आज हम उसी चीज़ पर बात करेंगे कि हाउ टू बी अ पॉजिटिव पर्सन हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू बी अ पॉजिटिव पर्सन ठीक है तो बड़ा आसान है इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसमें आप अपने आप को अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते टू बी अ पॉजिटिव पर्सन so let's get started number one point डे विद पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होता यह है कि समटाइम्स एक दिन पहले हमारा मूड किसी और चीज पे ऑफ होता है या किसी ने डांट दिया हसबेंड ने डांट दिया ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया you know you never know तो कभी हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो ऑफिस में किसी ने बोल दिया हो जॉब प्लेस में किसी ने बोल दिया तो वो हम सारे दिन कुड़ने में गुजार देते हैं एंड होता क्या है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग भी ऐसे ही स्पॉइल्ड होता है सो so, एक चीज जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है जब आप अपना डे स्टार्ट करें उसको प्लीज पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें। उसको नेगेटिविटी के साथ आपने स्टार्ट नहीं करना आपने वो चीज जो एक दिन पहले हो चुकी है या कल किसी ने कुछ बोल दिया था आप उसने आपने पहले पूरा जो है ना दिन अपना जाया कर दिया उस नेगेटिविटी को सोच सोच के आज अगर आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आपने उस दिन को पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना है उसको नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट नहीं करना तो ट्राई किया करें कि अपने दिन का आगाज किसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कोई अच्छी सी कोई भी बात अपने दिमाग में लाए जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है उसको अपने माइंड में रखें जैसे आपके बच्चे हैं जैसे आपके हस्बैंड की तरक्की हो रही है या आपके घर में कोई गुड न्यूज है तो उस चीज़ को लेके अपने दिन का आगाज किया करें नेगेटिविटी को साथ में मत लेकर आया करें नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जर्नल ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है कि वो पाकिस्तान में तो ऐसे मिलते नहीं है लेकिन आपका नॉर्मल जो भी जर्नल है जिसमें आप जर्नलिंग करते हैं जिसमें आप अपने पूरे दिन का प्लान बनाते क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि हाँ जी आपी दी मुझे ही सारे वर्ड्स से वो याद करते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमने हाँ ये साथ साथ आपको मैं बताती चलो मेरा घर जो है ना अप एंड डाउन हुआ है क्योंकि मैं आजकल बड़ी डिकलेटरिंग पर लगी हुई फैर एनी वेज स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल मुझे बहुत से आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि दी हमने जर्नलिंग स्टार्ट कर दी बहुत से लोग कहते हैं कि हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको नहीं बता सकती तो जब मैं आप लोगों की ये सारी बातें सुनती हूँ तो जब आप अपना जर्नल स्टार्ट कर रहे हो अपने दिन का प्लान कर रहे हो ना तो सबसे पहले एक ऊपर एक खोले अपना फोन उसमें एक प्यारी सी पॉजिटिव कोटेशन ढूंढे और उसको अपने लिखें कोई भी ग्रेटिट्यूड हो सकता है आप थैंकफुल हैं अल्लाह के दी हुई जिंदगी के आप थैंकफुल हैं अपने बच्चों के नहीं है तो कोई कोटेशन लिख दें नहीं है आप अपनी लाइफ में जिस चीज से खुशी महसूस करते हैं ना वो ऊपर अपने जर्नल स्टार्ट करने से पहले ऊपर लिखते हैं या मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए या मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ इस चीज़ के लिए या कोई पॉजिटिव कोई भी अच्छी सी कोट हो कोई हदीस हो वो आप ऊपर लिख लिया करें ताकि आप जब उसको पूरा दिन आप टिक लगाएं तो वो हदीस या कोटेशन या जो भी जिस चीज़ के लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें वो ऊपर लिखा हो और आप अपना दिन जो है ना वो पॉजिटिविटी के साथ गुजारें next very important is pay attention to the things that inspire joy in your life matlab मतलब, dekhi negativity har jagah हर एक के घर में ऐसा कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जो बहुत नेगेटिव होता है जिसकी माइंड में ही नेगेटिविटी भरी हुई होती है आप चाहे दस दफा कोशिश कर लें उस बंदे को सही करने की वो नहीं सही हो सकता क्योंकि कुछ लोगों को किसी ने ये नहीं बताया होता कि आप गलत कर रहे हैं तो जब उनको ये चीज नहीं पता होती ना कि वो गलत कर रहे हैं तो उनको लगता है वो सब कुछ सही कर रहे और वो लोग हमेशा घाटे में रहते हैं वो अकेले ही रह जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता सो द थिंग इज़ के अगर आपके घर में या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी नेगेटिव पर्सन है इंस्टेड उसको सोचने की उन चीजों को सोचें जो आपको खुशी देते वो कोई भी चीज हो सकती है मुझे जो सबसे ज्यादा चीज खुशी देती है ना वो है बेकिंग बिलीव मी जब मेरा मूड ऑफ होता है ना और जब मैं बेकिंग कर रही होती हूँ और मेरी रेसिपी बेस्ट निकल के आती है ना तो वो सारी जो टेंशन जो बैक ऑफ द माइंड हर इंसान के चलती है मैं भी इंसान हूँ हर एक इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होती है कोई ना कोई चीज़ पिंच कर रही होती तो मैं जब बेकिंग करती हूँ ना तो मेरा वो माइंड से वो सारी चीज़ें निकल जाती दूसरा आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेरी जिंदगी में एक चेंज आया दैट इज़ कुरान And I, uh, like, मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ तो मुझे इतनी खुशी फील हो रही होती है ना देखिये मैं उस दिन पढ़ी थी कि अल्लाह ताला जब आप फिक्र करते हैं ना अपने गुनाहों की या अपने अम, वो चीज़ जो अल्लाह के नजदीक अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राजी हो रहा है अल्लाह आपको मतलब जिनसे जिनको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती अल्लाह अल्लाह ने उनके दिम दिमाग और दिल से वो सारी चीजें निकाली होती हैं क्योंकि उस दिन मैं कुरान पाक में पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने तिरौन को दिल को सख्त कर दिया था सो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि वो जो है वो कभी अपनी तोबा करे आखिर वक्त में उसने मान लिया बर्देज की पूरी जिंदगी तो नहीं माना ना तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपनी आखरत की फिक्र करो आप ये सोचो कि मैंने ये ये गलत काम किया या कोई भी चीज़ जो अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ दैट मीन्स अल्लाह इज हैप्पी विद यू एंड अल्लाह वॉन्ट्स यू कि आप उसकी सलाह करो तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी एंड लेकर आती है ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें ऐसे लोग जो नेगेटिव है ना या नेगेटिव उनको उनके हाल पर छोड़ दिए क्योंकि वो कभी भी सही नहीं होंगे। वो याद रखिए जब अल्लाह ने उनके दिल में नहीं डाला वो कभी सही नहीं होंगे तो ऐसे लोग हर एक जिंदगी में तो ट्राई करें अल्लाह के से अपना रुजू कर लें अपनी जो चीज आपको खुशी देती है उसकी तरफ जाए ना कि नेगेटिविटी की तरफ या उस बंदे कोई सोचते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ये किया था तो पच्चीस साल पहले किया था तो आज भी मैं उस पर no. चीज जो है ना लुक आफ्टर योर बॉडी बिलीव मी जब आप सुबह उठ के अपना जो है ना मुंह हाथ धोने के बाद फ्रेश होने के बाद आप अपने स्किन केयर का बैग निकाल के जैसे मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ ना मैं अपने आई क्रीम लगाती हूँ एंड देन मैं अपनी और क्रीम दिस 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 दिस। और मेरी मेरी स्किन जो है ना वो उस वक्त ऐसे शाइन कर रही होती है जब मैं पूरा अपना स्किन केयर का प्रोसीजर मुकम्मल कर लेती हूँ आपको नहीं पता जो चीज़ मुझे खुशी देती है ये चीज़ मुझे इतनी खुशी देती है कि मैंने अपने दिन का जैसे मैं मोस्टली नमाज पढ़ ली या अगर आपने नमाज नहीं पे पढ़नी आप सुबह उठे आपने अपने अपने, अपने आप को जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वेकअप एनआर अगो जैसे आप अगर आठ बजे उठ रहे हैं तो सात बजे उठें सात बजे उठ रहे हैं तो छह बजे उठें वो एक घंटा आपके जब बच्चे हस्बैंड सब घर वाले सो रहे थे वो आपका आजकल तो रमजान है आपकी बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई होगी तो ट्राई करें कि अपने आप को अपनी बॉडी का ख्याल रखें वॉक पे जाएं एक्सरसाइज करें जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना यही नेगेटिव लोग जो आपको दिमाग को नेगेटिव रखते हैं ना उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि ये तो अपना ख्याल रख रही क्योंकि सर झाड़ मुँह पहाड़ बंदा हर एक को ना हंसी का मजाक का जो है ना वो टारगेट होता है अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो आप जो जिन लोगों की वजह से आप नेगेटिव है उनमें उनको ये होगा कि ब्लोकेटर हम इसको इतना टफ टाइम दे रहे हैं उसके बावजूद तो अपने आपके लिए अपनी जिंदगी के लिए अपना आपका ख्याल रखना शुरू करें अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए नेक्स्ट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज यू कैन एंड कैन नॉट कंट्रोल होता क्या है आप किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको उनको उनके हाल पे छोड़ दें वो आप कुड़ भी नहीं कुड़ते रहेंगे तो क्या होगा आपकी सेहत खराब हो रही है किसी को फर्क पड़ रहा है वो तो अपनी नेचर नहीं बदलेगा ना सो so, आप ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपने एक्नोलेज करना है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाऊंगी ना कि फलां बंदी जो मेरे घर में है या फलां मेरे जॉब प्लेस पे या फलां मेरी नेबर है या फलां मेरी फलां मुझे जो लोग नेगेटिव है और आपकी घर में और आपकी लाइफ में बेसकूनी पैदा कर रहे हैं ना उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हाँ उनको अवॉइड जरूर कर सकते ये आपके कंट्रोल वो जैसे मुझे किसी का कमेंट आया था इट वाज़ सो तो अनोइंग तो अनोइंग क्या मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि उन्होंने कल 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 ही कमेंट आया कि मेरी जो है वो सुसर जो है वो जब मैं तैयार मेरी मेरी घर में इतनी नेगेटिविटी है कि जब मैं तैयार होती हूँ तो मेरे सुसर जो है मुझे अजीब अजीब से कॉमेंट्स करते हैं या मुझ पर कॉमेंट पास करते हैं तो, तो बस तखफार मैं आपको एक बात बताऊं सुसर जो है बाप वाला फिक्र होता है एंड अलहदुल्ल का इतना आसान है मेरे अस, ऐसा ऐसा एहसान है कि मेरे सुसर इतने डिस आदमी है ना अगर मैं अपने सुसर की बात करूं कि मैं देखिए वो फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ अलग बात है बट इतने वो केयरिंग है ना उनको से पता चल जाए बीमार है वो आपकी दवाइयां लाना शुरू कर देते हैं बार बार पूछते हैं आपको ये चाहिए आपको ये चाहिए तो मैंने तो ऐसे ससुर को देखा है जो बहुत केयरिंग है मेरे बाबा इसी तरह केयरिंग थे मैंने तो बुज़ुर्गों को मी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेंट्स जो घर में होते हैं मैंने उनको नेगेटिव में नहीं देखा मैं जो कल उनका कमेंट पढ़ा सीरियसली मैं तो हैरान रह गई कि वो उनकी कमेंट पे आ, मेरे जो वजीफा वाला है उसमें नीचे कमेंट आया हुआ था तो वो भी अगर देख रही होंगी तो कमेंट कर दे नीचे प्लीज सीरियसली इट वाज वेरी वेरी अपसेटिंग फॉर मी तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके कि मैंने अपने हसबैंड को बोला तो वो कह रहे थे आइंदा नहीं करेंगे like, ये किस तरह की बात है तो बहुत ही खोफनाक किस्म की बात है थिंग इज कि आपने अपनी लाइफ में जो ऐसे लोगों हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं तो उनके बारे में सोचना छोड़ दें वो आपको कंट्रोल में नहीं आएंगे आप अपने आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती है अपनी थॉट को कंट्रोल कर सकती है उस पर काम करें पॉजिटिव लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बी काइंड एंड पॉजिटिव टू अदर्स देखिए आपको कैसे फील होता है ना अगर कोई आपको नेगेटिविटी से ट्रीट करता है तो फिर आप चाहती हैं कि आप भी किसी को वो ही नेगेटिविटी किसी और में ट्रांसफर करते नहीं ना आप चाहती हैं कि दूसरे मेरी वजह से थोड़ी सी खुशी महसूस करें थोड़ा सा हंसें थोड़ा सा खुश रहे मेरी वजह से ट्राई करें कि आप पॉजिटिविटी बांटें बी काइंड टू योर सेल्फ बी काइंड टू अदर्स दूसरों के साथ रहमदिली सिला रहमी से ताल्लुक रखें लोगों के साथ आपके घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो है आपके बच्चे आपके घर में काम करने वाले आपके हेल्पर्स आपके हस्बैंड और आपका अपना सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जितने लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है अब मेरा आजकल आप मैं आपको पता है मैं या तो फिर शॉपिंग वगैरह करने जाती हूँ या मेरा इंटरेक्शन अपने बच्चे अपना हस्बैंड अपना आप एंड मेरे मेरे जो घर में हेल्पर्स हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपने अपनी थॉट्स को नेगेटिविटीज को इन सारी चीजों को क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीन हर इंसान नेगेटिव हो सकता है तो इन लोगों के साथ जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना उनके साथ प्यार से रहेंगे तो आप खुद ही पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे खुद ही काइंड फील करेंगे अपने आप के साथ अपने आप पर रहम खाना शुरू करें अपने पर हौला हाथ रखें बकौल पंजाबियों के अपने आप पर हौला का हाथ रखें न कि आपने अपने आप को मशीन बनाया हुआ है और लगे हुए उसमें भी थकावट में भी आप नेगेटिव होते हैं सो so, आई होप ये जितने भी मैंने आप लोगों के साथ इतने पॉजिटिव पॉइंट्स शेयर किए हैं आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जरूर जरूर कीजिएगा प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हैं टू लिव अ वेरी पॉजिटिव लाइफ यू नो पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है तो अपने आप को पॉजिटिव रखें ताकि आप मेंटली भी ग्रोथ करें और आपकी जिंदगी भी मेंटली ग्रोथ करें खैर एनी वेज लेट्स का गेट बैक टू द्लॉग आज मैंने आप लोगों को याद है कि मैंने बनाए थे क्रोस uh, बनाए थे बट वो रेसिपी मेन क्रोसंस की नहीं थी ये एक मैंने बंद वाली डोसे बनाया था तो वो इन एक दफा दोबारा से प्रॉपरली रेसिपी शेयर करूँगी तो मुझे था कि आज इसको जो है मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ इसके तो मैंने जो है वो चिकन लेके तो मेरे पास चिकन पड़ी भी थी उसके अंदर मैंने मयूनीस वगैरह सारे डाल दी क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिक करेंगे वो डाल के उसके बाद मैंने इसको जो है ना अपने एयर फ्रायर में जो है इसको बेक कर लिया था एयर फ्रायर में बहुत सी चीजें मेरी बेटी तो इज एक्सपर्ट इन एयर फ्रायर बेकिंग सीरियसली इतनी अच्छी चीजें बनाती है तो उसमें जो है मैंने बेक कर लिया था और उसके बाद जो है ना हमने बना ली थी अफ्तारी बस मैं बहुत ज्यादा अफ्तारी इसलिए आप लोग तो को नहीं दिखा रही क्योंकि तो अफतारियाँ ही अफ्तारियां हर घर में अफ्तारियों के ही जो है ना वो व्लॉग्स होते हैं या हर घर में अफ्तारी चल रही थी तो थोड़ा सा बंदा उकता भी जाता है अफतारियों देख देख के तो खैर होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो टिल देन टेक केयर